हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं IRFC के बारे में, और मैं यहां पे आपको एक ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी बताने वाला हूं जिसमें आपको डिविडेंड मिलने वाला है, और एक ऐसा स्टॉक जिसमें आपको बोनस मिलने वाला है, और दोनों ही स्टॉक काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग भी नज़र आते हैं। इन सारी चीज़ों पे हम यहां पे बात करने वाले हैं। बेसिकली अगर हम यहां पे देखें तो IRFC का कुछ डेटा निकल के आया है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और यहां से आपको ये भी पता चलने वाला है कि कैसे जो माल है वो उठाया जा रहा है और जो रिटेलर्स है वो इसमें से एग्जिट कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों पे हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं आज के मार्केट सिनेरियो में जो आपको IRFC में देखने को मिला है। आज अगर आप देखोगे जब मार्केट एट पार पे क्लोज होते हुए नज़र आई है, वहीं IRFC अगर आप देखोगे तो आज नेगेटिव रिटर्न्स देते हुए नज़र आया है। 23 रुपये पे आपको इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है, करीबन 22 पैसे की गिरावट आज आपको देखने को मिली है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर देखा जाए तो इस स्टॉक में आपको कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। जब भी मैं IRFC पे वीडियो बनाता हूँ, सारे लोग, मोस्ट ऑफ दी लोग जितने भी हैं, वो यहाँ पे यही बोलते हुए नज़र आते हैं कि न्यूज़ तो इसमें डेली आती है लेकिन इसमें कोई मूवमेंट नहीं होता। तो डेफिनेटली सिनेरियो तो यही है। अगर हम यहाँ पे 5 दिन के इसके रिटर्न्स के बारे में देखें तो कोई भी मूवमेंट नज़र नहीं आता है, यानी कि 0% के रिटर्न, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें पिछले 6 महीने के रिटर्न्स तो -2% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स, यानी कि -2% से ज़्यादा के रिटर्न बना के दिए हैं। तो डेफिनेटली शेयर में अगर आप देखोगे तो मूवमेंट बहुत कम है, और यहाँ से अगर आप देखो तो सिनेरियो भी कुछ ऐसे ही नज़र आता है कि हाल फिलहाल में कोई मूवमेंट भी नहीं होने वाला। वहीं अगर हम बात करें, सबसे पहले हम यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स निकल के आ रही है उसके ऊपर बात करते हैं, फिर यहाँ पे मैं कुछ ऐसा डेटा दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला डेटा निकल के आता है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें दिसंबर मंथ 2021 की, जो कि इसका लेटेस्ट डेटा निकल के आ रहा है म्यूचुअल फंड का, उसमें अगर आप देखो निपोन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप ने करीबन 3.5% से अपनी होल्डिंग्स को इनक्रीज़ किया है। वहीं अगर हम देखें तो मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स करीबन 10% के साथ अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करते हुए आया है, और मोतीलाल ने भयंकर खरीदारी की है। वहीं अगर हम यहां पे बात करें निपोन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड की, करीबन 7% से अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करते हुए नज़र आए हैं। वहीं अगर हम बात करें मोतीलाल के एक और फंड की, जो कि आपको मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 नज़र आता है, उसने करीबन 2% से ज़्यादा की अपनी होल्डिंग्स को इनक्रीज किया है। वहीं अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 100 ETF की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है सेम सिनेरियो, और ICICI प्रूडेंशियल ने यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स को डिक्रीज किया है, यानी कि ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप 150 ETF ने अपनी होल्डिंग्स को 2% से ज़्यादा यहाँ पे आपको डिक्रीज करते हुए नज़र आए हैं। इन्होंने ओवरऑल जो टोटल हम देखें तो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 4% कम कर दिया है IRFC से। वहीं हम बात करें आदित्य बिरला सनलाइफ निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड 2% से अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड, एक और फंड मोतीलाल का, तो करीबन 3% के साथ अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज़ किया है, और करीबन 40,000 के आसपास नंबर ऑफ शेयर्स आपको यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक चीज़ की क्लैरिटी हमें यहाँ से मिल रही है कि जो मोतीलाल ओसवाल है वो IRFC में भयंकर अपनी होल्डिंग्स को इंक्रीज कर रहे हैं, भयंकर खरीदारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये सिनेरियो तो आपको देखने को मिल गया है कि IRFC में जो म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है उसमें कहीं भी दिक्कत नज़र नहीं आती है। दिक्कत सबसे बड़ी नज़र आती है वो आपको यहाँ पर जिनके प्रमोटर्स की होल्डिंग्स है उसमें आती है। सबसे बड़ा डर हमेशा यही बना रहता है कि OFS आएगा तो शेयर जो है वो और नीचे जाएगा, लेकिन इसके बाद ही मैं आपको यही सजेशन दे रहा हूं कि इसके बाद ही शेयर में कोई मूवमेंट आ सकता है, अदरवाइज कोई मूवमेंट नहीं आने वाला। मैं जो डेटा की बात कर रहा था वो आपको यहां पे दिखा देता हूं। मैं यहां पे आपको इसके पिछले कुछ दिनों की डिलीवरी परसेंटेज और ट्रेडेड क्वांटिटी पे यहां पे आपको डेटा दिखा रहा हूं। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ जो निकल के आ रही है वो ये है कि आपको हमेशा, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम, जो डिलीवरी परसेंटेज है वो करीबन 52%, 51%, 53%, 49%, 44%, 43% के आसपास नज़र आ रहा है।
यानी कि जितनी भी यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेडेड हो रही है उसमें से आधी से ज़्यादा क्वांटिटी की डिलीवरी उठाई जा रही है। और ये डिलीवरी कौन उठा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स तो अगर आप देखोगे तो इसमें इतनी ज़्यादा खरीदारी करते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने जिस लेवल पर लिया है उस लेवल से भी शेयर ऊपर आने को रेडी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जो खरीदारी करी जा रही है वो या तो FIIs से खरीदारी करी जा रही है या फिर यहाँ पर म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो बहुत भयंकर अमाउंट में इसमें अपनी होल्डिंग्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। क्योंकि किसी से भी अगर आप पूछोगे या फिर कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर जो रिकमेंडेशन दे रहा है वो यही है कि IRFC जो है वो अंडर वैल्यूड नज़र आता है, फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, और जिस अकॉर्डिंग इसमें बिजनेस में ग्रोथ होने वाली है उस अकॉर्डिंग तो सिनेरियोस कुछ ऐसे ही नज़र आ रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये शेयर जो है वो आपको बहुत भयंकर रिटर्न्स बना के दे सकता है। तो ये तो कुछ बात रही IRFC की, जब तक OFS नहीं आएगा तब तक इसमें कोई मूवमेंट नहीं आएगा, अभी तक तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिनमें आपको बहुत ही जल्दी कॉर्पोरेट एक्शंस देखने को मिलने वाले हैं, और यहाँ से आपको हो सकता है कि बोनस और डिविडेंड का जो अनाउंसमेंट है वो देखने को मिल गया है। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपको यहाँ पे बोर्ड ऑफ मीटिंग देखने को मिल रही है, पर्पस देखने को मिल रहा है और BM डेट देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल्स रिजल्ट्स जो हैं वो 8 फेब को आने वाले हैं और उसी में डिक्लेरेशन होने वाला है बोनस का, यानी 8 फेब 2022 को आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में बोनस देखने को मिलने वाला है। और जो शेयर का नाम निकल के आता है आपने डेफिनेटली इसके बारे में सुना होगा, ये है BSE लिमिटेड। बहुत ज़्यादा बेहतरीन स्टॉक, बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिटर्न्स, आज भी अगर आप देखोगे अच्छा खासा मूवमेंट 2000 से ऊपर ये ट्रेड करते हो मार्केट में आपको नज़र आ जाएगा। मैं तो आपको डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म के लिए रख लो, और इसको आप कम से कम 5 साल तक अगर रख लेते हो तो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन रिटर्न्स बना के दे सकता है। प्लस इसमें कॉर्पोरेट एक्शंस भी आपको देखने को मिलते रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात निकल के आती है। तो 8 फेब को आपको यहाँ पे बोनस का अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा, रेशियो अभी डिसाइडेड नहीं है, वो 8 फेब को आपको देखने को मिलने वाला है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं दूसरे स्टॉक के बारे में जिसमें आपको जो कंपनी की बोर्ड ऑफ मीटिंग है वो 6 जनवरी को देखने को मिल गई है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो अनाउंसमेंट होना था वो यहाँ पे हुआ है एंटरिम डिविडेंड का, और जो कंपनी का नाम निकल के आता है वो निकल के आता है हिंदुजा ग्लोबल लिमिटेड। तो ये भी स्टॉक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है अगर हम फंडामेंटली देखें, इसमें भी आपको यहाँ पे डिविडेंड का अनाउंसमेंट देखने को मिल गया है। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें आपको कॉर्पोरेट एक्शंस देखने को मिल रहे हैं या फिर आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाले हैं। IRFC के बारे में पूरा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है, कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिए, आपके बाइंग लेवल क्या है वो भी आप बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे अग्री स्ट्रेटजी भी बता सकता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।